और दर्दनाक हादसे की। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेहद गंभीर और बड़ा हादसा हुआ है। प्रवचन के दौरान भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये आशंकाएं जाहिर करने की जा रही। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के प्रवचन के दौरान ये भगदड़ मच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पे दुख व्यक्त किया है। और आपको बता दें कि एटा के अस्पताल में बहुत सारे जो गंभीर तौर पर घायल हैं उन्हें भेजा गया है। इसके अलावा कई और दूसरे अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये बेहद दर्दनाक हृदय विदारक हादसा है और बताया जा रहा है कि इस हादसे में मरने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि साकार महाराज साकार हरि उर्फ भोले बाबा का प्रवचन हो रहा था और उसके बाद जब वो वहां से लौट रहे थे उसी दौरान ये भगदड़ मची है और इसी भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। हालांकि जो आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं ये आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा और बड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल अब उठ रहा है उन संचालकों पर जिन्होंने ये प्रवचन की व्यवस्था की थी। और हालांकि सरकार की तरफ से लगातार प्रशासन को निर्देशित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को पर्याप्त उपचार मिल पाए। जो मृतक हैं उनके परिवारों को भी मुआवजे का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। वहीं जिला प्रशासन के अफसरों को राहत कार्य तेजी करने के निर्देश भी दिए गए। घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए। ADG आगरा जोन और अलीगढ़ कमिश्नर को हादसे की जांच भी सौंप दी गई है। क्या क्या चल रहा बहुत भीड़ भैया भैया नीच दे गए बहुत पवन के ऊपर गई गाड़ी वाले बहुत क्या हुआ क्या हुआ हमारे भीड़ आई है सुबह में भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। कितनी भीड़ थी लगा बहुत भीड़ आई भैया कितने लोगों की मौत हुई है जाने वाला मन बहुत लोग थे। क्या पूरा का हुआ क्या घटना ये हम सत्संग में गए थे साल थी और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था लगने के लिए जगह नहीं थी तो एक दूसरा हम खेत की तरफ से निकल रहे थे वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी लिख रही थी तो अचानक ही धक्का हो गई जगह नहीं थी पाँव धरने की तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी चिता गए उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसी हालत थी। अच्छा गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी भगदड़ के नीचे दब गए पाँव धरने की जगह। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लेकिन तस्वीरें साफ नहीं दिखा सकती। हृदय विदारक ये तस्वीरें हैं लेकिन जो सबसे दुखद है वो 100 से ज़्यादा मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। और साथ ही न्यूज़ रूम से ललित हमारे साथ जुड़े हैं। ललित और क्या अपडेट है इस हादसे में? बहुत ही गंभीर और बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये। क्या कुछ अभी तक प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए? सरकार क्या संज्ञान ले रही है? ललित आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कल जिम्मेदारी मिली है यूपी के जो प्रशासनिक मुखिया हैं और आज उन्हें वहां रवाना कर दिया गया। दो मंत्रियों को रवाना कर दिया गया है। अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि शुरुआती घंटों में जब अलग अलग अस्पतालों में जाना शुरू हुआ हाथरस के अस्पताल में जब डेड बॉडीज पहुंची हैं तो वो टेम्पो में बस में छोटे छोटे साधन से पहुंचाई गई थी। शुरुआती घंटों का आंकड़ा मैं आपको बताऊं जबकि अधिकारी ने कहा कि 27 शव हमें मिले इसमें से 25 महिलाएं हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 100 से ज्यादा मौतें और यह आंकड़ा निश्चित तौर पर बढ़ेगा। जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं कुछ तस्वीरें हम ब्लर करके दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें हमारी भी मजबूरी है कि हम लोगों को इस तरह से दिखानी पड़ रही है पर आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका आप बार बार नाम ले रहे थे साकार विश्व हरि भोले बाबा। वजह भी अब निकलकर सामने आ रही है ये फरार भी बताया जा रहा है ये एक बड़ा अपडेट। इसके बारे में जानकारी ये भी है कि ये कांस्टेबल से
जो है कि कथावाचक बना है। जानकारी ये भी लग रही है कि बाबा को निकलना था, बाबा विशाल गाड़ी से निकल रहे थे, बाउंसर्स ने पहले भीड़ को कंट्रोल कर दिया, भीड़ को रोक दिया, बाबा की गाड़ी निकली, उसी दौरान गफलत हुई और ये भगदड़ की स्थितियां बनी है। 100 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है, अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। लाशें मानो इस कदर वहां पर बिखरी पड़ी हैं जैसे बिछी हुई हो, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यह भयानक है, कितना यह भयावह है। अब तक जो जानकारी मिली है 15,000 से ज्यादा का जमावड़ा था, लेकिन कुबेरेश्वर धाम देख लीजिए, रतनगढ़ जो 2013 में हुआ था मध्य प्रदेश का वो देख लीजिए, बागेश्वर धाम देख लीजिए, भीड़ का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। जब इस तरह का हादसा हो जाता है तब प्रशासन को पता चलता है कि भीड़ कितनी थी। इस वजह से अभी ये मानकर चलिए कि और ज्यादा जनहानि यहां पर होगी। बिल्कुल, दूसरा ये व्यवस्थापकों पर भी सवाल है ललित, दूसरा व्यवस्थापकों के अलावा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, प्रशासन अगर कहीं इस तरह के प्रवचन हो रहे हैं तो प्रशासन के पास भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए कि आखिर कितने लोगों की व्यवस्था है, कितने लोग वहां पर आएंगे, कैसे लोगों को संभाला जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो ये मल्टी लेवल पर अगर हम कहें ललित, लापरवाही है जिसका ये खामियाजा है, 100 लोगों की जान जो अभी शुरुआती आंकड़ा है, ललित आप बता भी रहे हैं कि आंकड़ा हो सकता है कि कुछ और बड़ा भी हो जाए, बहुत गंभीर लापरवाही मल्टी लेवल पर, घनघोर लापरवाही है, गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज होने चाहिए, वो चूंकि कानून का अपना मामला हो सकता है। एनसीआरबी सरकारी आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि 2000 से लेकर 2013 तक इन 13 सालों में 2000 मौत हुई, 80% हादसे धार्मिक स्थलों पर होते हैं। 2013 से आज तक की तारीख ले लीजिए, ये बताइए मध्य प्रदेश में रतनगढ़ का हादसा हुआ, कितने बार हमने चर्चा सुनी, 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे, कुबेरेश्वर धाम में रिपीटेशन हुआ, बाबा जो पर्चियों वाले हैं बागेश्वर उनके धाम में ये रिपीटेशन हुआ, कहीं कोई कठोर कार्रवाई हमें सुनने में आती है। आस्था के प्रवाह को पॉलिटिसाइज करने के लिए भी यह भी लगता है कि अगर इन पर कार्रवाई कर दी गई, निश्चित तौर पर व्यवस्थापक जिम्मेदार है, वो बाबा जिम्मेदार है। किसने कहा था कुबेरेश्वर धाम में यूं रुद्राक्ष फेंक कर दो, घटना हुई, महिलाओं की मौत हो गई वहां पर, रुद्राक्ष लूटने को लेकर हो गई, इसी तरह का यह हादसा है। और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, जो व्यवस्थापक है उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, उस जिले के एसडीएम कलेक्टर उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इतना बड़ा जमावड़ा हो रहा है, पॉलिटिकल जमावड़े में 10,000 की भीड़ जुटाना मुश्किल होता है, आपके पास 15,000-20,000 लोग इकट्ठा हो गए, आपको जानकारी नहीं है, हैरत, कंप्लीटली फेलुअर है ये। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल एक और भी है ललित, व्यवस्था बनेगी कैसे, या फिर कहें कि जी उससे मैं आपके पास लौटूंगा ललित, लेकिन घटना का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता ने, वो दिखाते हैं आपको। हाथरस के गांव फुलरई में आज सुबह एक सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें भोले बाबा ने सत्संग प्रवचन का एक आयोजन था, जिसमें लगभग परमिशन से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हो गए, जो भक्तजन थे वहां एक साथ भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद वहां पे जो है लगातार लोग बेहोश हो गए और उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ CSC है और CSC सिकंदराबाद हुआ, यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है, जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थाओं की वजह से लोग परेशान है। शव देख सकते हैं आप, शव अभी भी यहाँ पे जो है जमीन पर पड़े हुए हैं, हालांकि अभी IG और कमिश्नर और ADG मौके पर पहुंचे हैं और अभी उचित व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिला अस्पताल में व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सुमित शर्मा, News 18 हाथरस। हाथरस के अस्पताल की तस्वीर और जो बता रहे न्यूज 18 संवाददाता की केवल एक जो मॉर्चरी में 100 से ज्यादा शव वहां पर रखे हुए हैं, यानी कि ये शुरुआती आंकड़ा है, जब जब तस्वीर जैसे जैसे और परतें खुलेंगी समझ आएगा कि आखिर ये कितना बड़ा हादसा था। ललित हमारे साथ बने हुए, ललित सवाल उठ रहा था कि आखिर ये व्यवस्था बनेगी कैसे, प्रशासन पुलिस प्रशासन या वो नेता वो खुद हाथ जोड़े, जैसा कि जिक्र कर रहे थे आपकी, चाहे कुबेरेश्वर धाम हो बागेश्वर धाम हो, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, फिर हालात बदलेंगे कैसे, कैसे वहां पर आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं व्यवस्थापकों से। ललित ये बिल्कुल मार्के की बात, इसी को लेकर दरअसल चर्चा हो रही है। अभी मैं वो जायजा सुन रहा था, मैंने शुरुआत में जब जानकारी देनी प्रशांत शुरू की तो मैंने ये कहा कि परमिशन दी गई होगी, अगर परमिशन नहीं दी गई तो इतने बड़े जमावड़े की जानकारी होनी चाहिए थी। हम जायजा सुन रहे थे यूपी से जो हमारे सहयोगी ने भेजा है, हाथरस से जो हमारे सहयोगी ने भेजा। अब और ज्यादा शर्म की बात है,
उस जायजे में वो ये बता रहे हैं कि परमिशन से ज्यादा वहां पर जमावड़ा हो गया। यानी ये बात तो तय है कि डीएम और कलेक्टर जिनके पास ये परमिशन जाती है, जिले के एसपी को जाती है और जहां पर ये आयोजन हो रहा है वहां पर जाती है। यानी इन सबको इस बात की जानकारी थी कि यहां जमावड़ा है, यहां इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं, तब तो ये निश्चित तौर पर गैर इरादतन हत्या का मामला बनना चाहिए, इस पूरी मशीनरी पर बनना चाहिए। ललित, मैं अनुपम से समझना चाहूंगा और कुछ और अपडेट उनके पास है, लौटूंगा ललित आपके पास। अनुपम, देखिए आपको बताएं कि बिल्कुल आस्था, ये जो भोले बाबा हैं ये एटा के पटियाली के रहने वाले हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ज्यादातर जो ये एरिया फोकस करते हैं वो रूरल एरियाज में फोकस करते हैं, ग्रामीण इलाकों में फोकस करते हैं, जहां पर महिलाएं या बड़ी संख्या में जो लोग हैं इनके प्रवचनों को सुनने के लिए, इनके सत्संग को सुनने के लिए वहां पर जुटते हैं। तो अक्सर पिछले कई सालों से ये जो धार्मिक इलाकों में, जो ग्रामीण इलाके हैं जहां धार्मिक क्रिया कार्यक्रम होते हैं, वहां पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। और आज आपको बता दें सिकंदराव में ये कार्यक्रम वहां पर रखा गया था। हाथरस का सिकंदरा राव ललित, जिसका जिक्र अनुपम भी कर रहे हैं, हाथरस में और अमूमन ऐसे आयोजन, और आप भी कुछ जानकारी बता रहे थे, भोले बाबा साकार हरि महाराज, साकार हरि उर्फ भोले बाबा एक पुलिस कर्मी से प्रवचन करने वाला वो शख्स बन गया, आखिर और क्या ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, क्या रिकॉर्ड है, बैकग्राउंड क्या है? और जी ललित, बिल्कुल बिल्कुल, ये हालांकि बहुत पुष्ट नहीं है, अलग अलग सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, इसमें हो सकता है कि किसी जानकारी में थोड़ी काटछाट हो, किसी जानकारी में थोड़ा और इजाफा हो जाए, लेकिन अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक, अब अनुपम जो बड़ी जानकारी दे रहे थे, रूरल इलाके में जहां आस्था का प्रवाह ज्यादा होता है, जहां तर्क की कमी होती है, वहां पर इस तरीके के बड़े आयोजन होते हैं। आप देखिए कि भगदड़ हाथरस में जो हादसा हुआ है उसमें जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग वहाँ मौजूद थे या वहाँ जुटना था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की शासन द्वारा, तो आज इतना बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है, एक्सक्लूसिव जानकारी निकल के जो सामने आ रही है, कि जब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ था, सत्संग का समापन हुआ था, उसके बाद भोले बाबा जो अपने आप को भगवान मानते हैं वो निकल के जब जा रहे थे, उसके बाद इनके यहाँ एक प्रथा है कि जहाँ से वो निकल के जाते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है उसे लोग उठाते हैं, अपने माथे से लगाते हैं, उसी प्रक्रिया के दौरान ये एकदम भगदड़ मच गई, उसमें हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि पास में खाई थी, उसमें खाई में तमाम लोग नीचे चले गए, उसी वजह से ऊपर से भीड़ ज्यादा होने की वजह से महिलाओं की संख्या ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि उसे तीन संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। ललित, एक और जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की, जहां से भोले बाबा निकलता है और उसके पीछे की जो मिट्टी है वो उठाकर महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं, ये देखिए आप, और कितना बड़ा हादसा, आखिर किस किस तरह की किंवदंती या फिर हम कहें कि क्या क्या और होता है। लेकिन सवाल यही है कि एक और जो हम फिर लौटते हैं अपनी उसी बात पर कि आखिर जो कागजी कार्रवाई के तहत आपने परमिशन दे दी कि कितने लोग वहां पर आएंगे, इसके बाद आपने दम घुटने से मौत हो गई, कुछ लोग कुचल के मौत हो गई, इसमें बच्चों की संख्या भी ज्यादा है और सबसे ज्यादा संख्या जो मतलब न्यूज 18 संवाददाता एटा से मैं जानकारी देते हुए बता रहे हैं आखिर क्या कुछ हुआ है। दरअसल एटा के मेडिकल कॉलेज में भी जो घायल है उन्हें पहुंचाया गया है बेहतर इलाज के लिए, जो लोग घायल हैं, जो शुरुआती जानकारी मिल रही 15,000 से ज्यादा लोग इस प्रवचन को सुनने के लिए पहुंचे थे, महाराज साकार हरि उर्फ भोले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे थे। और जब भोले बाबा की गाड़ी वहां से गुजरने लगी उसके पीछे भीड़ भागी है, और जैसा कि संवाददाता हमारे बता रहे थे कि मिट्टी उठाकर महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं। ललित, एटा संवाददाता कह रहे हैं, बता भी रहे हैं कि भाई महिलाओं की संख्या ज्यादा है, इसमें बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी है जिनकी मौत हुई है। अमूमन प्रवचन सुनने महिलाएं पहुंचती हैं और उनके साथ बच्चे भी पहुंचते हैं, ये एक और विडंबना वाली बात है। बिल्कुल सही, और ये जब अभी जानकारी थी आपने भी वो जानकारी सुनी होगी कि इसके ठीक बगल में ये कौन सा आयोजन है जिसके बगल में खाई जैसी भौगोलिक स्थितियां हैं,
क्या इस बात का ध्यान नहीं रखा जा सकता था? अगर इतने बड़े आयोजन होंगे तो जाहिर तौर पर संख्या बढ़ेगी। दूसरा, जिस बात की तरह इशारा कर रहे हैं प्रशांत, बहुत अच्छी न्यूज 18 इंडिया पर भी एक रिपोर्ट है कि आखिर महिलाओं की संख्या ज्यादा क्यों होती है। एक तो आप वेशभूषा मान लीजिए, साड़ी में दौड़ना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। आस्था चूंकि महिलाओं में ज्यादा होती है, इस वजह से वो ज्यादा शिकार होती है। ज्यादा जो जमावट होती है, इसकी वजह से महिलाएं ज्यादा शिकार होती है। और वही हुआ, हम जिन हादसों की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान के जिन हादसों का मैं आपको जिक्र दे रहा था, या आंध्र प्रदेश का मान लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मान लीजिए आप, लेकिन इन तमाम हादसों में सबसे ज्यादा मरने वालों में अगर कोई होती है तो वो महिलाएं होती हैं। यही वजह। एक और हैरत की बात है कि इस बाबा के जो अनुयायी हैं, परेशान करने वाली बात यह प्रशांत कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसके अनुयायी हैं। अब जैसे जैसे इसकी परतें खुलेंगी तो जाहिर तौर पर बहुत अच्छी खबरें वहां से नहीं आएंगी और बहुत दुखद खबरें आएंगी। बच्चों का आपने जिक्र किया, बच्चों से जुड़ी दो तस्वीरें प्रशांत जो किसी का भी कलेजा कपा दें, किसी को भी रोने पर मजबूर कर दें। एक बच्ची किशोरी है, वो अपनी माँ को ढूंढ रही है। अब तक उसे उसकी माँ के बारे में जानकारी नहीं है। वो लाशों में अपनी माँ को पहचानने की कोशिश कर रही है, इसका अंदाजा लगा दीजिए। एक और महिला है जो अपने छोटे, मेरा ख्याल है गोद में वो बच्चा लेकर जा रही है, बच्चे की मौत हो चुकी है लेकिन फिर भी वो उसे अस्पताल तक लेकर जा रही है। देखिए कि कोई अपने दुख मिटाने गया था, कोई कुछ पाने के लिए गया था, कोई किसी मन्नत को लेकर गया था, कोई आशीर्वाद लेने गया था, और किस तरीके की स्थितियां बनी। बिल्कुल, वाकई ये स्थितियां बेहद हृदय विदारक हैं। तस्वीरें भी हम दिखा भी रहे हैं कि आखिर कितने किस हद तक भीड़ थी। अगर 15,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है या व्यवस्था थी 15,000 के लोगों की, अगर परमिशन ली गई थी, तो उसके मुकाबले कितने लोग वहां पर पहुंच गए, जो कुछ तस्वीरें जरूर हम छोटे ब्रैकेट में दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उससे जाहिर होता है। और क्या कुछ कहा जो इस हादसे के बाद लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शी उन लोगों ने क्या कुछ कहा, ये सुने पहले। क्या अच्छा चल रहा है भैया? नीच दे बहुत पवन गई गाड़ी वाले क्या हुआ, क्या हुआ? हम एक संग बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ, कैसे घटना? ये हम सत्संग में गए थे, साल थी। शकुंतला देवी जी, ये हादसा कहाँ कैसे हुआ है जी? हाँ। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव। सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम हता खत्म होएगा, खत्म होवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग, हतका सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची नीचे हतकाए वो नालो सो। हाँ। तो गांव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से दबने से मौत हुई। दबने से सत्संग मैया भैया वो एकदम, जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी भाई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए, बच्चा मेरे दोनों दो नीचे के बच्चे। हाँ, मेरे दो बच्चे खत्म हो गए। कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या। हाँ। और एक 9 साल कोई चोरा मेरो। सुन रहे होंगे और ललित, ये छोटे छोटे बच्चे महिलाओं के साथ, और वही एक बड़ी वजह भी कि एक के ऊपर एक जब लोग गुजरे या भगदड़ मची तो नीचे लोग दबकर लोगों की जान चली गई। और जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, जो हम लोग विंडो में जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आखिर किस हद तक वहां पर भीड़ थी, 15,000 का अगर वहां पर क्षमता थी तो हो सकता है कि उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए हों। सवाल यही है ललित कि कागजों पर तो प्रशासन ने परमिशन दे दी कि आप 15,000 लोग वहां पर इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन जब 15 की जगह 30,000 पहुंच गए, 45,000 पहुंच गए, तब प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कंट्रोल नहीं किया, आखिर कब तक और कैसे? ये इसकी वजह भी है। अपने यहाँ जो परमिशन लेने का सिस्टम है प्रशांत, की एक लिखित में सूचना दे दी जाती है कि हम फला जगह पर ये आयोजन कर रहे हैं, फला फला लोग पहुंचेंगे, इसमें ये लोग पहुंचेंगे, आम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। अब चूंकि कोई वीवीआईपी मोमेंट तो है नहीं, ना कोई बड़ा नेता पहुंच रहा है, अगर कोई बड़ा नेता पहुंच रहा होता तो कभी किसी धार्मिक स्थल में भगदड़ की खबरें हमें सुनने को नहीं मिलती। ज्यादातर धार्मिक जो स्थलों पर भगदड़ है उसका आप अंजाम जानते हैं। अब चूंकि प्रशासन को भी लगता है कि अरे गांव वाले पहुंच रहे हैं, वो कोई जहमत उठाता नहीं है उस जगह को क्रॉस
वेरीफाई नहीं करता है, एक लिखित में जानकारी दे दी जाती है, उसी को परमिशन मान लिया जाता है, कहीं कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता। अब डीएम साहब हैं आशीष कुमार, वो कह रहे हैं डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि 50 से 60 मौत हुई है। ये उनकी सावगोई नहीं है, ये उनकी बेहयाई है, ये उनकी बेशर्मी है। साफ नजर आता है जिस तरीके से नजर आता है। जी जी, लौटूंगा ललित, एटा से न्यूज 18 संवाददाता। क्या नाम है आपका, क्या कहाँ, कौन सा गांव, कौन सा है? खरोली। खरोली, तो आपके मम्मी पापा गायब हो गए हैं क्या, मिले नहीं हैं? मिल गए हैं। कहाँ पे हैं? मम्मी खत्म हो गई हैं? नहीं, मम्मी हॉस्पिटल हॉस्पिटल में। तुम्हारा क्या नाम है? महक। दोनों बहन भाई हो? ये दोनों बहन भाई हैं छोटे से, इनके जो है हादसे के बाद बताया जा रहा है इनकी माँ की मौत हो गई है, पिता अभी लापता है, मिले नहीं है, और ये बच्चे यहाँ जिला अस्पताल ढूंढते पहुँचे हैं। पापा मिल गए? अभी पापा इनके जो आ रहे हैं, जो दोनों बच्चे जो बहन भाई हैं, वही उसे पता क्या हुआ था, वहाँ आप गए थे उसमें सत्संग में? सत्संग में तुम गई थी है? थोड़ा नीचे करो कैमरा। सत्संग में गए थे तुम, क्या हुआ था, कैसे क्या हो गया था? गिर गए थे, दब गए थे, इसके लिए मम्मी बेहोश हो गई। और अच्छा, गिर गए दब गए थे आप लोग? हाँ। मम्मी बेहोश हो गई आपकी है? हाँ। तो ये छोटी बच्ची है, इसका नाम महक है। इसका कहना है कि वहाँ सत्संग में ये लोग अपनी माँ के साथ गई थी, तो वहाँ जो है इसकी मम्मी जो भीड़ में दब गई, घायल हो गई। इसको ये बताया गया कि जिला अस्पताल में भर्ती है, इसलिए ये लोग अपने अपने माँ को देखने के लिए, यहाँ दोनों बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। तो एटा में आप देख रहे हैं, जो अस्पताल के बाहर दो मासूम बच्चे पहुंचे हुए हैं अपनी माँ को तलाशने के लिए। हालांकि दोनों बच्चे अलग अलग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बच्ची कह रही कि भाई अस्पताल में भर्ती है माँ, हालांकि बच्चा कह रहा है कि माँ की मौत हो गई। लेकिन ईश्वर करे कि इनके ऊपर से माँ बाप माँ का साया ना उठे। हालांकि इनके पिता जरूर इन्हें लेने के लिए पहुंच रहे हैं, बच्ची जरूर अपनी माँ के साथ प्रवचन सुनने पहुंची थी। ऑक्सीजन सिलेंडर, चेयर, पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है, यहाँ पर चौकस है। देखिए डॉक्टरों का 60 लोगों के डॉक्टरों का पैनल यहाँ पर पहुंचा। तो अस्पतालों का हाल भी, अस्पतालों में जो लगातार लोग पहुंच रहे हैं, लोगों का इलाज किया जा रहा है, कोशिश यही कि जल्द से जल्द उन्हें पर्याप्त इलाज मिले, और जितनी जल्दी से जल्दी इलाज मिलेगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी कम की जा सकती है। हालांकि आंकड़ा अभी भी बहुत बड़ा हो चुका है, 100 से ज़्यादा लोगों की जान की जाने की खबर है, और बहुत बड़ा ये हादसा है। इस प्रकार के हादसे अक्सर होते रहे हैं, लेकिन हाथरस में ये हुआ हादसा वाकई इसने लोगों के दिल को दहला दिया है। 100 से ज़्यादा जाने अभी तक गई हैं, जो महाराज साकार हरि भोले बाबा जब प्रवचन कर जा रहा था उसके पीछे जो श्रद्धालु थे या कहें प्रवचन सुनने आए लोग थे वो भागे, और उसी दौरान ये हादसा हुआ। एक के ऊपर एक लोग चढ़ गए और दबने से लोगों की जान गई है। अब छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, तो कहीं किसी माँ के साथ जो छोटे बच्चे आए हैं उनकी जान चली गई। आप बीती भी हमने आपको सुनाई है, ये हाथरस की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो हृदय विदारक हैं। साफ तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, ब्लर करना, इन धुंधली करना इन तस्वीरों को हमारी मजबूरी है, और अलग अलग तस्वीरें, रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें। हालांकि जो बाबा बताया जा रहा है, भोले बाबा, वो फरार बताया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने जाँच कमेटी भी गठित कर दी है, इस हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान भी मृतकों के परिवारों के लिए किया गया है। दो मंत्री भी वहां के लिए रवाना किए गए थे, प्रशासनिक अफसर, पुलिस के जो अफसर हैं वो भी घटना स्थल के लिए पहुंचे हुए हैं, और दो मंत्रियों को भी वहां पर भेजा गया है लखनऊ से। हालांकि सवाल ये उठता है कि ऐसी कमेटियां बनाने के बाद जो रिपोर्ट आती है, क्या उन रिपोर्टों पर अमल भविष्य में किया जाता है या नहीं किया जाता है। मध्य प्रदेश का ही अगर हम जिक्र करें तो विधान बहुत दूर ना जाएं, विधानसभा चुनाव में ही जाएं तो ऐसे बाबाओं के प्रवचन कराने की होड़ लगी हुई थी। लगातार चुनाव से पहले प्रवचन करा रहे थे जो राजनेता थे, हाथ जोड़कर इन प्रवचनकर्ताओं या फिर हम कहें कथावाचकों के सामने हाथ जोड़े हुए नजर आते थे नेता, और पुलिसकर्मियों को भी हमने देखा है कैसे अपनी पर्चियां निकलवाने के लिए हाथ जोड़े खड़े हुए नजर आते थे। और ये देखिए आप, हादसा ऐसा नहीं कि इस तरह का हादसा पहली बार हुआ हो।
जनपद हाथरस में बड़ा हादसा होने के बाद एटा जिले में भी अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन आ गया है, क्योंकि वहां पर मृतकों की संख्या थी उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यहां एटा जिले में अब तक 27 लोगों के शव पहुंच चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और एक पुरुष का शव यहाँ पहुंचा है। मैं अपने सहयोग से कहूंगा वो दिखाएं कि तमाम भीड़ में पोस्टमार्टम में मौजूद हूँ, यहाँ तमाम जिले के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिलाधिकारी, SSP, CO, ASP तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में जो उनके परिजन हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग मैं अपने सहयोग से कहूंगा वो दिखाएं कि ये गेट है पोस्टमार्टम गृह, यहाँ से लगातार जो स्ट्रेचर लाया जा रहा है, तमाम लोगों को बाहर रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्यों भीड़ अंदर ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि अब तक यहाँ पोस्टमार्टम गृह में 27 लोगों के सब पहुंच गए हैं। पता जा रहा है हादसा उस समय हुआ है हाथरस में जब भोले बाबा जो नारायण हरि अपने आप को जो भगवान मानते हैं उनका समापन हुआ था, संत का समापन हुआ था, उसके बाद जो वहां से निकल के तो जा रहे थे, तो लोगों का मानना है कि वो जहां से निकलते हैं तो उनके पैरों की नीचे की जो मिट्टी होती है उसे उठाने का भी बताया जाता है वो होता है, इसलिए उस मिट्टी को उठाने को लेकर भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के बाद जो है लगातार वहां जो है भगदड़ मच गई, उसमें मौत हो गई। बताया जा रहा है एक महिला की जो परिजन है उसकी तबीयत अचानक खराब हुई है, रोते रोते तो ये इसको यहाँ से पोस्टमार्टम के घर पर जो मौजूद थे लोग यहाँ से ले जाया गया है, अस्पताल भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि 27 सब एटा पहुंचे हैं, कुछ हाथरस पहुंचे हैं, कुछ बताया जा रहा है अन्य जिलों में भी जो सब पहुंचाए गए हैं, क्योंकि कई लोग घायल हुए थे उनको जिला अस्पताल भर्ती कराने के लिए आसपास के जो अस्पताल थे वहां पहुंचाया गया था, लेकिन अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत की सूचना आ रही है, उस संख्या 100 भी हो सकती है। अजय वर्मा, निजी टीम, कासगंज। क्या अच्छा चल रहा है बहुत भीड़ भैया, भैया नीच देवे बहुत पवन कर गाड़ी वाले बहुत क्या हुआ क्या हुआ भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए, बहुत भीड़ आई जाने वाला मन्ना गिले भैया ने कितने का नकी भैया बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना? ये हम सत्संग में गए थे, साल थी वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी, अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी, रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी